नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1994-95 में उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर था। शहीद उमा सिंह ने उनके भाव को आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन सपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाया था। इस समय सरकार समानता का भाव पैदा करने का काम कर रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद उमानाथ सिंह की 24वीं पुण्यतिथि पर गत गुरुवार को तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म, जाति, मजहब, गरीबी हटाने की बात करने वाले यह जान ले कि समाजवाद साम्यवाद नहीं, रामराज से भारत चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के प्रयास से पहली बार गरीबों के बैंक खाते खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 25 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें 82 करोड़ रुपए उनके द्वारा बैंक खाते में जमा किया गया। 2014 से अब तक 8,85,000 आवास तैयार किए गए। स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2018 से 2 अक्टूबर 2020 तक विशेष कार्यक्रम चलेगा। सरकार ने 15 महीने में 1,25,00,000 शौचालय का निर्माण किया। सरकार ने 87,00,000 परिवारों को गैस उपलब्ध कराया, 52,00,000 गरीबों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उमा सिंह ने आदर्श प्रस्तुत कर बेहतर जनप्रति होने का प्रमाण सामाजिक रूप से दिया। सपा के हल्ला बोल, व्यापारियों को उत्पीड़न और उनकी सुरक्षा को लेकर शहीद हुए सीएम ने जौनपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज के नाम स्वर्गीय उमानाथ सिंह के नाम पर रखने की घोषणा किया। इस मौके पर मंत्री गिरीश चंद यादव, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, सांसद केपी सिंह, सांसद रामचरित निषाद, जिला अध्यक्ष सुशील उपाध्याय, प्रबंधक अशोक कुमार सिंह, पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी एवं शासन प्रशासन के लोग उपस्थित थे। वर्षों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर पूरी भव्यता के साथ मनाने और गांधी जी के आदर्शों से, उनके जीवन के मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम सबको किस आधार पर कार्यक्रम करने हैं, उसमें गांधी जी को जो विषय प्रिय थे उनमें से एक विषय था स्वच्छता का। आपने देखा होगा गांधी दर्शन का कभी अध्ययन करिए, गांधी जी ने फोकस किया स्वच्छता को, सदैव फोकस किया कि स्वच्छता को जीवन का एक हिस्सा बनाया जाए। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी का केवल एक अभियान नहीं, एक आंदोलन बनना चाहिए, जन आंदोलन बनना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में स्वस्थ भारत मिशन का और अंततः यह सशक्त भारत मिशन की एक आधारशिला बनने जा रही है। स्वस्थ भारत मिशन के परिणाम किस रूप में सामने आए हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया। आपने देखा होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग हमारे 8-10 ऐसे जिले थे जहां पर विषाणु जनित बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें होती थी। और विगत वर्ष आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से इस लड़ाई को मैं लड़ रहा था, लेकिन विगत वर्ष जब मुझे ही पार्टी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया तब भी गोरखपुर में मौत हुई थी, मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया था। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात के पक्षधर थे कि स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति अगर हो जाए तो स्वच्छता और पेयजल के माध्यम से हम लोग इस प्रकार की बीमारियों को पूर्ण नियंत्रित कर सकते हैं। नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोगों ने प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। जितना भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस होंगे पूरे प्रदेश के अंदर, इन सभी मेडिकल कॉलेजेस को हम
सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करके इन कॉलेजेस को उस विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करेंगे। और जौनपुर में राज्य सरकार एक मेडिकल कॉलेज बना रहा है, इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के नाम पर करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी का जीवन समर्पित था, उसके लिए हम सब मिलकर के उस अभियान को आगे बढ़ाएं। केंद्र की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार इस अभियान को जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा रही है, आम जन की सहभागिता उसके साथ होनी चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार जायसवाल। सबकी नजर से आज जौनपुर में उमानाथ सिंह जो कि भूतपूर्व जिला कारागार मंत्री रहे हैं इस जिले से, और उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। आज आपकी 24वीं पूर्ण तिथि का कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, जिसमें चलकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी आप श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आए थे, और उन्होंने कई सारी चीजें कही हैं। स्वच्छता अभियान को उन्होंने बहुत फोकस किया है, व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने फोकस किया है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उन्होंने पत्रकारिता से बात करने का काम नहीं किया। पत्रकार अपने लाइन में खड़े हुए थे उनसे बात करने के लिए, उनसे सवाल का जवाब मांगने के लिए, लेकिन वो पत्रकारों तक नहीं आए। उन्होंने कोई बातचीत पत्रकारों से नहीं किया। समस्या वहीं की वहीं बनी पड़ी हुई है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दे रहे हैं, ठीक है सारी चीजें, लेकिन वो सारी चीजें धरातल पर क्यों नहीं आ रही है? चाहे वो गोबर को लेकर के अधिनियम बनाया गया हो, चाहे महंगाई पेट्रोल डीजल को लेकर के बनाया गया हो, या इस जिले में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि जिले के मंत्री विधायक सबके संज्ञान में है, जानकारी में है, उसके बाद भी वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और जब पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जब उन सारी चीजों को आईना दिखाने का काम करता है, तो फिर क्यों मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, विधायक हो, उनकी चीजों से बचने का काम क्यों करते हैं? कैसे हम बता पाएंगे कि धरातल पर इस व्यवस्था का सच क्या है? अभी आपने देखा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम खत्म हो गया, मुख्यमंत्री जी पत्रकारों से बातचीत भी नहीं किए, उनके किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और हाथ हिलाते हुए वो चले गए। हमारे कई न्यूज चैनल के साथियों ने भी उनको आह्वान किया कि वो हम तक आए या हमें वहां तक बुलाएं, ताकि हम अपनी समस्याएं यहां की जौनपुर जिले की रखें और उनके संज्ञान में आए, ताकि वो तत्कालीन किसी प्रकार की कार्रवाई तक वो पहुंचे। व्यवस्थाएं वहीं की बनी बनी रह जाती हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं दौरे पर, और वो जनता तक पहुंच तो जाते हैं और भाषण तक अपनी बात को खत्म करने के बाद वो चले जाते हैं। समस्याओं की जानकारी करने का काम वो नहीं करते हैं, जैसा आज आपके प्रत्यक्ष देखने का काम आपको मिला है। मुख्यमंत्री जी आए हैं पूर्व तिथि उमानाथ सिंह जी के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में, और कई सारे मंत्री भी यहाँ विराजमान थे इस मंच पर, कई विधायक भी विराजमान थे, लेकिन किसी प्रकार की समस्याओं की जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। कैसे इन व्यवस्थाओं का निस्तारण होगा?